हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 2 से नंबर 12 वाई इंग्लिश इज सो हार्ड ये पोएम। सबसे पहले मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम सब मिलकर करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस और फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। We'll begin with a box and the plural is boxes. Will is contraction of two words, we will. Okay, plural means more than one. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं बॉक्स के साथ तो बॉक्स का सिंगुलर होता है बॉक्स और प्लूरल यानी कि अनेक वचन। चिल्ड्रन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, कोई भी चीज एक है। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा है, दैट इज अनेक वचन। ओके, सो सिंगुलर इज बॉक्स एंड प्लूरल इज बॉक्सेस, बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस। तो ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, पर जब हम बॉक्स बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल उसका होता है बॉक्सेस, पर जब हम ऑक्स कहते हैं सिंगुलर तो उसका प्लूरल होता है ऑक्सन, जबकि उसको ऑक्सेस होना चाहिए, ऐसा पोएट को लगता है, बट एक्चुअल में राइट आंसर क्या है, ऑक्सन। ओके, तो इसीलिए पोएट कंफ्यूज्ड है। आगे पोएट बोलते हैं, यू मे फाइंड अ लोन माउस or a whole lot of mice. Now lone means the only one in a place. म्हणजे एकटा, okay, अकेला। तो जब हम बात करते हैं अकेले माउस के बारे में यानी कि एक वचन दैट इज सिंगुलर, तो हम कहते हैं माउस, ओके। पर जब हम बहुत सारे माउस की बात करते हैं मतलब एक से ज्यादा माउस की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं माइस। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे बहुत सारे माइस है, बहुत सारे हैं, इसलिए हम उसे माइस कहते हैं। अगर एक होता तो हम उसे माउस कहते। तो पोएट कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं आगे देखते हैं। बट द प्लूरल ऑफ अ हाउस इज हाउसेस नॉट हाइस। तो पोएट को ऐसा लगता है कि अगर एक माउस है और एक से ज्यादा है तो हम माइस कहते हैं, तो अगर एक हाउस है तो एक से ज्यादा हाउस को हम हाइस क्यों नहीं कहते, हाउसेस क्यों कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना बहुत सारे हाउसेस हैं। अब आगे देखते हैं, इफ द प्लूरल ऑफ अ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन, व्हाई शुडंट द प्लूरल ऑफ पैन कैन बी कॉल्ड पेन। तो यहाँ पे अभी पोएट क्या कहते हैं, अगर एक मैन है यानी कि एक आदमी है तो उसे हम मैन कहते हैं, एक से ज्यादा है, एक अपेक्षा जास्त है, हम क्या बोलते हैं, मैन। तो जब हम मैन को मैन कह सकते हैं प्लूरल में तो हम पैन को पेन क्यों नहीं कहते, ऐसे पोएट को लगता है। और देखो कंफ्यूज हो जाते हैं पोएट इस तरीके से, इस बच्चे की तरह वो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या आप भी ऐसे कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे shouldn't means it is contraction of two words, should not, okay? आगे क्या होता है, देखो ये बच्चा है, इसके हाथ में दो बूट्स है, ये बूट्स है, ओके बच्चों। एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट And you show me your feet. अब यहाँ पे फुट मतलब क्या होता है, पैर। अगर एक पैर है तो उसे फुट कहते हैं इंग्लिश में, एक से ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे फीट, ओके। एक वचन फुट, अनेक वचन फीट। तो पोएट कहते हैं कि एक फुट है और एक से ज्यादा तो फीट है। बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट। तो बोलते अगर मैं आपको एक बूट दूं तो क्या दो बूट या एक से ज्यादा बूट को हम बीट कह सकते हैं। यहाँ पे भी पोएट कंफ्यूज हो गए हैं, ओके। तो आपको ये समझना है, एक वचन बूट, अनेक वचन बीट नहीं होता है, बूट्स होता है, ओके। दैट वन मे बी दैट एंड थ्री मे बी दोस। अब यहाँ पे बात करें कोई चीजों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कैप्स। यहाँ पे बहुत सारे कैप्स है और यहाँ पे सिर्फ एक कैप है, तो जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक कैप को आप देख रहे हो तो क्या बोलोगे, दैट इज अ कैप। क्या बोलोगे, दैट इज अ कैप। पर अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, दोज। यहाँ पे बहुत सारे कैप्स रखे हैं तो क्या बोलेंगे, दोज आर कैप्स। तो यहाँ पे भी पोएट कंफ्यूज हो गया, जैसे आप भी हो जाते होंगे शायद कभी कभी कि ये दैट और दोज क्यों हम यूज करते हैं सेम चीजों के लिए, है ना। तो आपको ये समझना है कि अगर एक है तो हम दैट कहते हैं और एक से ज्यादा है तो हम दोज ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब हम दैट यूज़ करते हैं और दोज यूज़ करते हैं, ये उन चीज़ों के लिए जो हमें दिख रही है पर हमसे दूर है, ठीक है। बट जब कोई चीज़ हमारे हाथ में है या हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो हम सिंगुलर के लिए दिस यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए दीज यूज़ करेंगे। ओके, लाइक दिस इज़ अ पेन, दीज आर पेन्स। ओके, हियर द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होस। वेट बोल रहे हैं अगर एक हैट के लिए जब हम यूज करते हैं दैट और एक से ज्यादा हैट के लिए हम दोज यूज करते हैं, तो हम एक हैट के लिए हैट और एक से ज्यादा हैट के लिए होस क्यों नहीं कहते? यहाँ पे भी पॉइंट कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक हैट है तो आप उसे हैट कहेंगे, एक से ज्यादा हैट है तो हम उसे हैट्स कहेंगे, होस नहीं कहेंगे। The masculine pronouns are he, his and him. But imagine the feminine she, she's and shim. सबसे पहले तो ये समझो कि masculine का मतलब क्या होता है, which is connected to men or boy, okay? Feminine which is connected to women or girls. तो जब हम masculine के pronouns के लिए यूज करते हैं he, his and him, अगर इसका नाम है राजू तो व्हाट आई विल से हिज नेम इज राजू, ही इज अ बॉय, ही यूज करेंगे। ओके, आई वांट टू टॉक टू हिम तो हिम यूज करेंगे। जब हम फेमिनाइन की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम शीज एंड शिम यूज करते हैं, जबकि हमको यूज करना पड़ता है हर, शी। तो उसलिए भी पोएट कंफ्यूज होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है इंग्लिश में। आपको समझना है कि जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की, वुमेन्स की बात करते हैं, तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी, हर, है ना, ये सब यूज करते हैं। शिस एंड शिम नहीं यूज करते। सो आर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल अग्री। अभी पोएट क्या बोल रहे हैं, अपनी इंग्लिश मुझे लगता है आप सब अग्री करते हो। अग्री मीन्स टू हैव सेम ओपिनियन, मतलब आपको भी ऐसा ही लगता है ना। Is the trickiest language you ever did see? मतलब आपको भी ये trickiest लगता है language, English language। Trickiest मतलब difficult to do और deal with मतलब difficult है, इतना easy नहीं लगता है ना। तो बच्चों ये poem थी और ये थोड़ी मजाक मजाक के लिए भी poet ने लिखी थी, तो आप सबको डरना नहीं है। ओके, English इतनी भी difficult नहीं है बच्चों। अगर आप सही तरीके से रोज अपनी पढ़ाई करते हो, टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करते हो, इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, और अगर कोई कार्टून्स देखते हो, ऐसी कोई सीरियल्स देखते हो जो इंग्लिश में भी देखी जा सकती है, तो अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो इससे ज़रूर आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, तो आपको डरना नहीं है और रोज़ इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करना है। ओके, Why English is so hard? Why English is so hard? We'll begin with a box. We'll begin with a box. And the plural is boxes. And the plural is boxes. But the plural of ox. But the plural of ox. Should be oxen, not oxes. Should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse. You may find a lone mouse. Or a whole lot of mice. Or a whole lot of mice. But the plural of a house. But the plural of a house. Is houses, not highs. Is houses, not highs. If the plural of man. If the plural of man. Is always called men. Is always called men. Why shouldn't the plural of. Why shouldn't the plural of. Pan can be pen. Pan can be pen. And I speak of a foot. And I speak of a foot. And you show me your feet. And you show me your feet. But I give you a boot. But I give you a boot. Would a pear be called beet? Would a pear be called beet? That one may be that. That one may be that. And three may be those. And three may be those. Here the plural of hat. Here the plural of hat. Would never be hose. Would never be hose. The masculine pronouns are he. The masculine pronouns are he. His and him. His and him. But imagine the feminine she. But imagine the feminine she. She's and shim. She's and shim. So our English. So our English. I think you will all agree. I think you will all agree. Is the trickiest language. Is the trickiest language. You ever did see. You ever did see. Very good. आपने बहुत अच्छा बोला और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो जरूर बोलेंगे next time, okay? Now let's start with things to do. Question 1. Answer the following questions. A. What makes English the trickiest language? Answer. In English language, the way a word is written is sometimes different from the way it is pronounced. Sometimes two words may be pronounced in the same way but have different spelling and meanings, different rules for similar things, different meanings for single word. These all things make English a tricky language. B. Write the singular of the following. आपको एक वचन लिखना है singular. Okay? Oxen, ox, mice, mouse, men, man, feet, foot. यहाँ पे आपको उल्टा करना है, आपको प्लूरल्स लिखना है मतलब अनेक वचन लिखना है. Boot, boots, house, houses, that, those, pan, pans. Question number 2. Make list of other tricky examples you know. Keep adding to your list. A. Words having different meanings. Bat, flat, even, cast, cheap, etc. B. Words with first letter silent. Knee, new, psychology, rap, not, etc. C. Singular and plural. Goose, geese, tooth, teeth, radius, radii, fungus, fungi, etc. Number 3. List the funny words you find in this poem. Example, highs, highs, shis, tim. Number 4. A pronoun is a word that is used in place of a naming word. For example, we, us, he, him, his in place of John, Johns and two Johns respectively. Write what you will use for Mary, Marys and to Mary in the following sentences. Mary is my friend. So we replace Mary with she pronoun. Okay. She is my friend. This is Mary's notebook. तो Mary's के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? Her. This is her notebook. I want to return it to Mary. To Mary के जगह पे क्या करेंगे? To her. Okay. I want to return it to her. और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें. इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.